इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ओल्डर वर्जन जस्ट लाइक मैकओएस महावे, हाई सियरा, सियरा, मैकओएस एल कैपिटेन वगैरह को एप्पल की मेन वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के फुल इंस्टॉलर्स को डायरेक्ट एप्पल की मेन वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग। और आज की हमारी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कि ओरिजिनल मैक के प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आप किसी भी वक्त अपने ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक के प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना थोड़ा ट्रिकी है। इसलिए मेरे बहुत से बहन भाई टोरेंट या शेयरिंग की वेबसाइट्स पे जाकर अपना मतलूबा ओएस डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि रिस्की है, क्योंकि एन मुमकिन है कि जिसने वो ओएस अपलोड किया है उसने उस पैकेज को ओपन करके रीपैक किया हो और उसमें अपना कोई की लॉगर या वायरस वगैरह डाल दिया हो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ आपको बज़ाहिर ओरिजिनल की तरह नज़र आते हैं बल्कि ये ओरिजिनल की तरह इंस्टॉल भी होते हैं, लेकिन ये आपकी तमाम प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि इन्हें आप एप्पल से ही डाउनलोड करें। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है और वो ये कि हम अपने ऐप स्टोर से एप्पल का करंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने ऐप स्टोर को ओपन करता हूँ। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त मैकओएस कैटलिना एप्पल का करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर मैं सर्च बार में सिर्फ कैटलिना टाइप करके भी इंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मैकओएस कैटलिना सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर ऊपर आ रहा है। और अब मैं यहां से मैकओएस कैटलिना के ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस सर्च बार में कैटलिना की जगह महावे लिखकर इंटर दबाता हूं, जो कि एप्पल का प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे यहां पे मैकओएस महावे कहीं पे नज़र नहीं आता। यहां पे मैकओएस महावे से रिलेटेड चंद एप्लीकेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए मैं इस सर्च बार में मैकओएस का इजाफा करके सर्च करता हूं। स्टिल नो नथिंग। इसी तरह अगर मैं मैकओएस सियरा या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने ऐप स्टोर में सर्च करूंगा तो यहां पे मुझे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर तो मिल जाएंगे, लेकिन मैकओएस सियरा का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहां से डाउनलोड नहीं कर सकता। सेम यही सिचुएशन एप्पल के मेन वेबसाइट पे है। अगर यहां पे भी आप सर्च बार में मैकओएस महावे को सर्च करें तो नो नथिंग, मैकओएस महावे के डाउनलोड से मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन आपको यहां पे नजर नहीं आएगी। चलें मैकओएस सियरा को सर्च करते हैं। अगेन सेम सिचुएशन। तो मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल की मेन वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले तो यहां से इस सपोर्ट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद सर्च बार में लिखें हाउ टू अपग्रेड मैकओएस और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं सियरा। अब इस पहले वाले लिंक जो कि support.apple.com का है पे क्लिक कर दें। थोड़ा नीचे की तरफ आएं और इस डाउनलोड मैकओएस सियरा के नीचे डाउनलोड मैकओएस सियरा वाले लिंक पे क्लिक कर दें। मैकओएस सियरा का 100% ओरिजिनल इंस्टॉलर एप्पल की मेन वेबसाइट से आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं यहां पे हाउ टू अपग्रेड मैक ओएस एक्स एल कैपिटेन को सर्च करता हूं और इस सर्च रिजल्ट से support.apple.com वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूं। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और डाउनलोड मैकओएस एल कैपिटेन के नीचे इस डाउनलोड मैकओएस एल कैपिटेन वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैकओएस एक्स एल कैपिटेन का इंस्टॉलर
डायरेक्ट एप्पल की मेन वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसी तरीके को फॉलो करके आप एप्पल के प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एप्पल की मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैकOS कैटलिना, एप्पल और IT से रिलेटेड हमारे चैनल पर कई वीडियोज हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। IT से रिलेटेड दीगर वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।